हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, बाजीगर मैं बाजीगर, ये सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है और इस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक सेंस व्यूज भी आ रहे हैं। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पर भी काफ़ी ज़्यादा लाइक सेंस व्यूज आ सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ वीडियो को शूट कैसे करना है और एडिट कैसे करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले आपको ओरिजिनल साउंड को म्यूट करना है। म्यूट वीडियो को आपको एक से दो बार प्ले कर देख लेना आपका वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं वीडियो हमने यहाँ से शूट करना स्टार्ट की है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है उसे हम ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे। इसके बाद मैं वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। सिंपल अपने हाथ में शॉट लेना, कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ आपको फेंक देना। फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपको सेम उसी पोज में शूट करना है। इसके बाद जो शॉट गिरा है उस शॉट को आपको साइड में कर देना है। आपको सेम उसी पोज पर खड़ा होना है और पीछे की तरफ कुछ इस तरह से आपको हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट का वीडियो शूट हो चुका है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट पार्ट का वीडियो शूट कर लेना है। इसके बाद सेम उसी जो शॉट, इसके बाद आपको कुछ आगे की तरफ चलना है। तो आपको देखना है हम आगे की तरफ कहाँ से चलने के स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम चलने के स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा उसे हम ट्रिम टू लेफ्ट करते हैं। इसके बाद मैं वीडियो को प्ले करता हूँ। इसके बाद आगे की तरफ आया, कुछ इस तरह से आपको कूद जाना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है आए और कुछ इस तरह से आपको कूद जाना है। जैसे ऊपर की तरफ गए वही चक्का सीन चाहिए, नीचे का सीन हमें आने का सीन नहीं चाहिए। ठीक है, सिंपल इसे हम राइट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है उसे हम ट्रिम टू राइट करते हैं। इसके बाद देख सकते हैं वीडियो क्लियर पर क्लिक करें और इसके बाद जैसे हम कुछ ऊपर की तरफ शॉर्ट फेंके हैं। ठीक है, इसे हम यहाँ पे स्पीड टू प्ले हिट कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है यहाँ ऊपर की तरफ फेंके, यहीं से यही तक का सीन चाहिए स्टार्टिंग का। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, डिलीट के ऊपर एक ऑप्शन मिल जाता है कैप्चर एंड सेव का। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, ये इमेज जो है आपको गैलरी में सेव हो चुका है। इसके बाद आगे की तरफ करेंगे और ये जो शॉर्ट जैसे जैसे कि देख सकते हैं जो हमारा नीचे की तरफ गिर गया है, ये पार्ट को हमें रिमूव करना है। इसको जो शॉर्ट साइड मेरे साइड की हम इसका जहाँ से हम पीछे की तरफ चलने के लिए स्टार्ट किए हैं। ठीक है, इसके बाद लेफ्ट साइड का पार्ट को ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। तो फाइनली मैं वीडियो प्ले करता हूँ, आपका वीडियो जो फाइनल जो हमारा सीन बचा है क्या कुछ तो इस तरह से देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो को मैंने प्ले कर दिखा दिया हूँ कैसे आपको शूट करना है। फर्स्ट क्लिप कुछ इस तरह से, सेकेंड क्लिप कुछ इस तरह से, थर्ड क्लिप कुछ इस तरह से। इसके बाद जो हमने कैप्चर किए थे इमेज को, उस इमेज को हमें पीएनजी में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल इसे हम बैक करते हैं और यहाँ पे हमें बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन को हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद लोड ए फोटो पे क्लिक करेंगे और जो आपने अभी कैप्चर किए थे इमेज को, उस इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद डन करेंगे और यहाँ पे आपको मैजिक पे क्लिक कर देना है। आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। ये जो आपको सिर्फ दिख रहा है वही आपको पीएनजी चाहिए। तो हम फटाफट सबसे पहले इरेज करता हूँ। जो शॉर्ट जो था ऊपर की तरफ जो मैंने फेंका था उसे हम पीएनजी में कन्वर्ट कर चुका है, उसे हम डन करेंगे। इसके बाद इसे हम सेव कर लेना है। सेव करने के बाद हम चलते फिर से काइनमास्टर एप्लीकेशन की ओर। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पर आना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है और आपने जो इमेज को अभी पीएनजी में कन्वर्ट किए थे उस इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद लास्ट पॉइंट पे आते हैं और जहाँ तक हमें लास्ट किए थे उस पोजीशन पे आते हैं पहले। ठीक है, और इस इमेज को सेम आपको इसी जगह पे सेट कर देना है। इमेज पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरह से आप जूम कर फुल साइज में आपको एडजस्ट कर देना है। यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पे आना है और इस लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है इमेज उसे हम ट्रिम टू राइट करेंगे। ठीक है, अब वीडियो प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे की तरफ करेंगे। अब देखना है जैसे कि आप मैं वीडियो को प्ले करता हूँ कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फाइनली किए कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ रुक गया हुआ है। ठीक है, पीछे की तरफ हम गए, इसके बाद यहाँ से देख सकते हैं हम आगे की तरफ आएंगे। ठीक है, आ गए। ठीक है, आगे की तरफ आए, ये जो शॉर्ट जो है अब ऊपर की तरफ है तो ये नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस पीएनजी को स्पीड टू प्ले हीट करते हैं। इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आगे की तरफ जस्ट करेंगे, की पे क्लिक करेंगे और आगे की तरफ करेंगे। जैसे देख सकते हैं हम कूद गए हैं, तो इस पीएनजी को हम कुछ इस तरह से नीचे की तरफ यहाँ पर आपको एडजस्ट कर देना है। इसके बाद हम इसे डन करते हैं। अब देख सकते हैं जैसे पीएनजी हम किए तो कुछ इस तरह से आपको
नीचे की तरफ PNG भी आपको आ जाएगा। जैसे आप ऊपर की तरफ करेंगे तो PNG आपको नीचे आ जाएगा, लेकिन ये देख सकते हैं हम कूदते हैं पहले और PNG आ जाता है लेट लेट से, पहले ही आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना इस बात को। तो इसे हम फिर से बैक करते हैं, एक बार आगे की तरफ करते हैं, हम यहाँ से कूदने के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके इस पोजीशन में आता है, इसे हम स्पीड टू प्ले हिट करते हैं, इस पे करते हैं, यहाँ पे की पे लास्ट पॉइंट पे आएंगे और इसके बाद हल्का सा कुछ इस तरह से नीचे कर देंगे, डन, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं अब कुछ इस तरह से हम कूदे तो हमारे लग रहा है जैसे कि शॉट जो है हमारे ऊपर शरीर पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फाइनल तो वीडियो एडिट हो चुका है। इसके बाद आते हैं मीडिया पे, इसके बाद जो मैंने सेकेंड पार्ट का जो वीडियो शूट किया था उसे हम सेलेक्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट का आपको वीडियो कैसे शूट करना वो बताता हूँ। तो वीडियो मेरा रॉन्ग साइड शूट है तो इसे सबसे पहले हम मिरर करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हमने वही जो शॉट था उस सेकेंड पार्ट का वीडियो मैंने शूट किया था, शॉट जो थी मैंने लिया था और कुछ इस तरह से मैं वीडियो प्ले कर दिखाता हूँ। पहले एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करता हूँ, ओरिजिनल साउंड को म्यूट करता हूँ, ठीक है। अब देख रहे हैं सेकेंड पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से शूट करना है, सिंपल वही शॉट को आपको पहन लेना है और कुछ ऊपर की तरफ छलांग लगाना है उसी पोज में, ठीक है। आपको सीन कहाँ से चाहिए से बताता हूँ मैं आपको। वीडियो प्लेयर पर क्लिक करेंगे, स्पीड कंट्रोल करते हैं 0.5 करते हैं, वीडियो को आगे तरफ प्ले कराएंगे और जैसे कि देख सकते हैं हम ऊपर की तरफ उड़ते हैं, ठीक है। हम नीचे की तरफ जैसे आते हैं तो यही सब जो नीचे का सीन हमको आने का सीन लेना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे। अब कुछ इस तरह से आगे हम आगे जैसे कि लग रहा है हमने जो शॉर्ट फेंके तो वही शॉर्ट पहन कर आ चुके हैं। अब फाइनल में वीडियो प्ले करता हूँ, आप देख लेना वीडियो आपका कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गया लेकिन मैंने कोशिश किया वो स्टेप बाय स्टेप समझाने के। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आएंगे 100%। सिंपल फेंके कुछ इस तरह से आए, शॉर्ट भी ऊपर की तरफ आए, आप कुछ इस तरह से आप पहन भी लिए हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं बैकग्राउंड पे, जैसे कि आप देख सकते हैं आपने देखे होंगे वीडियो में जो आपका बैकग्राउंड जो है स्काई कलर का चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल इसे बैक करते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पर हमें गूगल क्रोम ओपन करना है, गूगल क्रोम ओपन करते हैं। सिंपल यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है स्काई, इमेज पर क्लिक करेंगे अब बहुत सारी इमेज आपको देखने को मिल जाएंगे। सिंपल आपको एक इमेज को डाउनलोड कर लेना, प्रेस करके रखेंगे, डाउनलोड इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसके बाद फिर से हम काइन मास्टर पर आते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो इमेज डाउनलोड किया तो उस इमेज को सेलेक्ट करना है और कुछ इस तरह से जूम कर लेना है और आपको जहाँ तक स्काई दिख रहा है उसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ब्लेंडिंग पे आना है और यहाँ पे ओवरले हो गया, ओवरले सेलेक्ट कर लेना है, ओपेसिटी के हल्का कम बेस भी कर सकते हैं। इसके बाद डन करते हैं, इसे आपको कुछ फुल साइज कर देना है, इसके बाद डन करते हैं। इस देख सकते हैं अब आपका लग रहा है स्काई भी चेंज हो चुका है और काफ़ी बेहतरीन वीडियो लग रहा है, ठीक है। इसके बाद लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, सबसे पहले साउंड लिंक को भी आपको डाउनलोड करना है। साउंड लिंक डाउनलोड करने के बाद सेलेक्ट करेंगे वीडियो को, अगेन कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, स्ट्रैक्ट आइडियो कर देंगे, वीडियो पे क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे तो आइडियो देख सकते हैं आपका नीचे भी आ चुका है, ठीक है। इसके बाद सेटिंग पे क्लिक करेंगे, आइडियो फेड आउट ऑफ करेंगे, शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो का साउंड पे वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलन चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।